नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वो इंतजार खत्म हो गया। काफी समय से लोग जम्मू के रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहे थे आखिर कब आएगी आस्था ट्रेन। श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हम ट्रेन में बैठेंगे और रामलला की भूमि अयोध्या में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हमारे पीछे का दृश्य, इस समय जो ट्रेन है आस्था ट्रेन आते हुए, और देखिए अभी कुछ ही देर में भाजपा के नेताओं के द्वारा इसे फ्लैग ऑफ किया जाएगा। पर उम्मीद करते हैं अगले चरण में जो जिस तरह से ये सुविधा, जो ट्रेन की सुविधा है, शुरू होगी, ये उम्मीद करते और आरामदायक और सुविधाजनक आम जनता के लिए होनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं जो भी समय रामलला की भूमि अयोध्या में जा रहे हैं उनका ये सफर मंगलमय हो, उनकी ये यात्रा मंगलमय हो। और जो भी समय में घर बैठकर देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं अगली बार राम श्री राम भगवान श्री राम आपको भी बुलावा देंगे तो आप भी अयोध्या की धरती में कदम रखेंगे। इस समय फ्लैग ऑफ होने जा रहा है इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने के बाद। ये और इस समय के दृश्य हम बता रहे हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन से। हमने सुबह भी आपको अपडेट दिया था किस तरह से जम्मू का रेलवे स्टेशन जयराम श्री भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा था, उत्साह देखा था हमने लोगों में, किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही थी कि आज वो लोग जिन्होंने काफी देर से एक सपना देखा था कि कहीं ना कहीं हम भी रामलला के दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर, आज उनका वो सपना पूरा होने जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि महज 1500 रुपए में हर कोई जम्मू से या कहीं भी इलाके से आप अयोध्या जा सकते हैं। और कुछ ही देर में ट्रेन जो है फ्लैग अप होगा और भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजती हुई ट्रेन जम्मू से होते हुए अयोध्या तक पहुंचेगी। चलिए, समय फ्लैग ऑफ हुआ है, अभी किया है इन्होंने, अभी कुछ देर में ट्रेन निकलेगी। इस समय युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ है। युद्धवीर जी, ये आखिरी ट्रेन है, उम्मीद करते हैं अगले चरण में ट्रेन होगी और ज्यादा उम्दा और आरामदायक सफर होगा हमारे श्रद्धालुओं का, क्या कहते? बिल्कुल, राम भगत जो पिछले महीने भर से इस आस्था ट्रेन में जा रहे हैं और जिनका इस सफर के बाद जो आके प्रचार करते हैं, वो उसके बाद मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम अयोध्या जाएं। और जो व्यवस्था वहाँ पर योगी जी और मोदी जी ने की हुई है रामलला के भक्तों के लिए, सचमुच में एक अजूबा है। पूरी टेंट सिटी बसाई है वहाँ, 20,000 टेंट की, क्या बात। और यहाँ से जाना और वापस आना, हर व्यवस्था, खाना, रहना, कंबल, वहाँ पे दर्शन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सब व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर लगे हुए हैं इस काम के लिए पिछले 2.5 महीने से। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये आखिरी तो नहीं कह सकते। समय आने पर हम मोदी जी से फिर कहते हैं कि जब आप दोबारा जीत के आएंगे तो यहाँ के राम भक्त, खासकर मीडिया वाले, मेरी बहन भी कहती है कि हम सब ने जाना है, इससे भी बड़ी व्यवस्था में हमें राम लल्ला के पास लेके जाएं, ऐसी मनोकामना करते हुए जो भी आज यहाँ से राम लल्ला राम भगत जा रहे हैं, कम से कम आज 1350 के करीब संख्या यहाँ से जा रही है, ये आज यहाँ से भी जाएंगे, कल वहाँ सुबह पहुँचेंगे, कल दर्शन करके परसों सुबह वहाँ से चलेंगे और उसके अगले दिन जम्मू वापस पहुंचेंगे। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर के सभी वासियों की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं। और इस टीम के अंदर खासकर मेरे साथ सह संयोजक के रूप में आसिम गुप्ता जी और रीमा पादा जी ने एक बड़ा अच्छा रोल किया है। मैं इस अपने साथियों का और संगियों का भी, जो अयोध्या का जो कार्य हमें मिला था, मैं मीडिया के माध्यम से इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इस समय देखिए अभी जो कि यहाँ पे फ्लैग ऑफ होगा, फूलों की वर्षा भी की जाएगी। अभी देखिए किस तरह से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और यहाँ से रवाना किया जाएगा, ये अद्भुत नज़ारा। और सबसे पहले ये बताना चाहिए, जो गाड़ी के अंदर बैठकर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके अंदर एक अलग सा उत्साह है और उनको देख देख के आप लोग और हमारे अंदर भी एक उत्साह है कि कब रामलला हमें भी बुलाएंगे, कब हमें भी बुलावा आएगा, खास करके हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी को।
और देखिए जब ये ट्रेन शुरू होगी, जो भी समय में देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। डीएसपी जीपीएस यानी के इस समय पहुंची हुई हैं रेलवे पुलिस की जो है डीएसपी अल्बिना, वो भी समय यहाँ पहुंची हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। और प्रदीप मल्होत्रा जी के साथ अभी देखिए जय श्री राम के नारों से गूंजती हुई ये जयकारों से गूंजती हुई ये ट्रेन जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी और रामलला की भूमि अयोध्या में पहुंचेगी। और देखेंगे अभी ये बड़ा अद्भुत नजारा है और देखिए यहाँ पर जो भी समय देख रहे हैं हमें सबके मुख से यही निकला जय श्री राम। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं उन श्रद्धालुओं की जो काफी समय से इंतजार सुबह से कर रहे थे, तड़के ही आकर बैठे, मन में कुछ सा था कि आखिर कब ट्रेन आएगी और हम उस ट्रेन में कदम रखेंगे जो सीधा हमें जम्मू से रामलला के धरती पर हमें पहुंचाएगी। और देखिए डीएसपी जो कि रेलवे पुलिस की हैं जो अल्बिना जी, वो भी समय यहाँ पहुंची हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, एक की नारा एक की नाम, जय श्री राम। हरी झंडी हाथ में लिए देखिए जरा, अभी यहाँ पे जो लिए देखिए हरी झंडी दिखाते हुए, और अभी देखिए यहाँ से इस ट्रेन का श्री गणेश होगा और यहाँ से रवाना होगी अयोध्या नगरी। और देखिए फूलों से फूलों की वर्षा करते हुए, और देखिए अब हर डिब्बों में फूलों की वर्षा होगी। और देखिए ये नजारा जो है, जो 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 भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं और जय श्री राम। अभी देखिए यहाँ पर युद्धवीर सेठी जी, चंद्रमोहन गुप्ता जी है, अन्य यहाँ पर नेतागण खड़े हैं और ये प्रदीप मल्होत्रा जी हैं। अभी डिब्बों में देखिए फूलों की वर्षा की जाएगी। यहाँ से रवाना हुई है ये आस्था ट्रेन जो कि सीधा रामलला की भूमि अयोध्या में पहुंचेगी। और सुबह से आपको हमने पूरे एक एक पल के दृश्य बताए थे किस तरह से उत्साह था श्रद्धालुओं में, और ये बताना चाहेंगे कि आखिरी ट्रेन है और आगे अगली की श्रृंखला में कब जो ट्रेन आएगी ट्रेन ये हम नहीं जानते, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये देखिए फूलों की वर्षा करते हुए, और देखिए लोगों ने खिड़कियां बंद की है। जय श्री राम, जय श्री राम, का मौसम है इसीलिए लोगों ने शीशे बंद किए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठंड के कारण खिड़कियां बंद। जय श्री राम, फूलों की वर्षा की जा रही है, जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। Thank you.
हमारे जो जवान है जो भी देखिए किस तरह से जय श्री राम के नारों का जवाब देते हुए, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए ये समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं अद्भुत दृश्य है, ठंड के कारण आज लोग ठंड का भी परवाह नहीं किया और अयोध्या नगरी को रवाना होगी आस्था ट्रेन। आज की ये आखिरी ट्रेन, पिछले एक महीने से लगातार ये आस्था ट्रेन आप लोगों को, जनता को, प्रदेश के प्रधानमंत्री जो नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जो कि ये ट्रेन जा रही थी, आज इसकी आखिरी ट्रेन है। ये हमने आपको पूरे दृश्य बताए, ये आस्था ट्रेन लास्ट ट्रेन थी जो गई है सीधा अयोध्या नगरी में रामलला के धरती पर, वहाँ पर इन श्रद्धालुओं को लेकर जा रही है। 1500 रुपये में महज जो सफ़र है, खाना पीना सब रहने की व्यवस्था की गई है जम्मू से अयोध्या तक। आज की आखिरी थी, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, उम्मीद करते हैं जल्द ही देश के प्रधानमंत्री फिर से इस तरह की ट्रेन का आगमन करेंगे, ताकि जिन लोगों के मन में आज भी आशा रह गई है कि हम काश हम भी जा पाते, वो भी कम पैसों में, अपनी किफ़ायत में, अपने बजट के अंदर आकर वो इस अयोध्या रामलला की धरती अयोध्या तक पहुंच सके और रामलला के दर्शन कर सके। जिन्होंने भी जो भी हमें देख रहे हैं समय, अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।